नमस्कार, सत्यमेव न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मानसी आचार्य। बुलेटिन में शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। धौलपुर के सरमचरा में अवैध रूप से रेत दोहन का काम चल रहा है। शिकायतकर्ताओं ने जब शिकायत दर्ज करवाई तो तहसीलदार सरमचरा गिरधारी लाल मीणा ने 5 ट्रैक्टर ट्रॉली सहित जेसीबी मशीन जब्त की। कार्यवाही को लेकर अवैध रेत माफियाओं में हड़कंप मच गया है। ये माफिया सीमावर्ती गांव में रेता दोहन का काम बड़े पैमाने पर करते आए हैं, जिससे यहां के आम जन परेशान हैं। आबूरोड में पालिका पार्षद व भाजपा के जिला उपाध्यक्ष विजय गोठवाल द्वारा सोशल मीडिया पर ब्राह्मण समाज और राजपूत समाज के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने पर शहर में चर्चा का विषय बन गया है। सोशल मीडिया पर हुई टिप्पणी पर ब्राह्मण व राजपूत समाज सहित अन्य समाजों में रोष फैल गया है। वही ब्राह्मण समाज आबू रोड द्वारा शहर में रैली निकालकर तहसीलदार को ज्ञापन दिया गया और विजय गोठवाल को गिरफ्तार करने की मांग की गई। उधर घटना से राजपूत समाज में भी भारी आक्रोश देखने को मिला। विप्र फाउंडेशन और करनी सेना के संयुक्त तत्वावधान में शहर थाना अधिकारी SDM को ज्ञापन देकर जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की गई और गिरफ्तार नहीं होने पर आंदोलन करने व आबू रोड बंद करने की चेतावनी दी गई। राजस्थान पुलिस के सब इंस्पेक्टर महेंद्र चौधरी बुधवार को पुलिस लाइन स्थित परेड ग्राउंड में पुलिस अधिकारियों सहित नेताओं ने नम आंखों से श्रद्धांजलि दी। भारत बंद के दौरान सोमवार को उपद्रवियों को रोकते समय ड्यूटी पर चौधरी को हार्ट अटैक आया था। मंगलवार को जोधपुर से अहमदाबाद ले जाते समय उनकी मौत हो गई थी। इससे पहले पुलिस कमिश्नर ने जोधपुर पुलिस के सभी जवानों व अधिकारियों की 3 दिन की सैलरी महेंद्र चौधरी के परिजनों को देने की घोषणा की। साथ ही राज्य सरकार को महेंद्र चौधरी को शहीद का दर्जा देने की अनुशंसा करने का फैसला किया गया है। पुलिस लाइन स्थित परेड ग्राउंड में पुलिस कमिश्नर अशोक राठौर, IG हवा सिंह घूमरिया, तीनों DCP सहित सभी पुलिस कर्मियों ने चौधरी की पार्थिव देह के अंतिम दर्शन किए और नम आंखों से श्रद्धांजलि दी। अजमेर के GRP थाना पुलिस ने आज बड़ी कार्यवाही करते हुए 8 लाख की रकम के साथ एक आरोपी को हिरासत में लिया है। आरोपी सतपाल यह रकम ब्यावर से बस द्वारा अजमेर स्टेशन लाया था। यहां से वो ट्रेन में बैठकर पंजाब के लिए जाना चाहता था। इसी दौरान GRP थाना पुलिस ने आरोपी को धर दबोचा, जिससे GRP थाना प्रभारी चौथमल ने बताया कि पंजाब निवासी आरोपी सतपाल स्टेशन पर संदिग्ध अवस्था में घूमता दिखा। इस पर पुलिस ने इसका बैग चेक किया, जिसमें 2000 के नोट जो 8 लाख रुपए थे, जिनको बरामद किया गया है। पुलिस ने पूछताछ की, लेकिन इसके पास इन रुपयों को लेकर कोई दस्तावेज नहीं पाए गए हैं। यह रुपए किसके लिए ले जा रहा था, फिलहाल इसका खुलासा भी नहीं हो पाया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है। मैडम आती के निर्देश अनुसार रेलवे स्टेशन सघन साहब के दौरान आज एक व्यक्ति को संदिग्ध अवस्था में पुलिस को देख लिखा तो उसके थैले भी खुला सी, जिस थैले में करीब थैले में 2000 8 लाख रुपए थे, जिसके बारे में उससे पूछा गया तो उसने अपना नाम सप्पा पुत्र जगनलाल जाति पंजाबी बावन साहब निवासी गिद्र कुमार पंजाब बताया, जिसको इतनी बड़ी राशि बिना किसी वैध कागज के लेकर पाया गया। सिंधी अवस्था में पाए जाने धारा 102 CRPC राशि जब्त कर। हनुमानगढ़ में महंगाई के बहाने कांग्रेस ने एकजुटता का संदेश देने की कोशिश की, लेकिन 5 विधानसभा क्षेत्रों से कुछ नेताओं की अनुपस्थिति पर चर्चा होती दिखी। वहीं जिला अध्यक्ष KC बिजनोई और पूर्व विधायक सुचित्रा आर्य गहलोत ने पायलट डूडी को एकजुट बताया। उन्होंने सरकार पर निशाना साधा और कहा कि सरकार आम जन के खिलाफ लगातार साजिशें कर रही है, लेकिन यह उसके लिए नुकसानदेह साबित होगी।
सियासत भी एक नाटक ही है। अगर इस बात से आप इत्तेफाक नहीं रखते तो आपको बुधवार को कलेक्ट्रेट के सामने कांग्रेस का प्रदर्शन जरूर देखना चाहिए था। जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय से कलेक्ट्रेट तक कार्यकर्ताओं ने पहले तो पैदल मार्च किया, फिर गेट के सामने जाकर जबरन घुसने का नाटक भी किया। इस दौरान माहौल देखकर साफ लग रहा था कि सब कुछ नाटकीय घटनाक्रम के तहत हो रहा है। पुलिसकर्मी भी अपनी हंसी रोक नहीं पाए। आज का हमारा केंद्र और राज्य में झूठी सरकार और किसान विरोधी सरकार, 36 कौमों के विरोधी सरकार के खिलाफ उनके पुतले फूके हैं मोदी जी के और वसुंधरा जी के। आज कांग्रेस का राज था, उस टाइम जो क्रूड ऑयल का तेल था उसके भाव देख लो, आज उनके भाव कम हैं लेकिन रेट ज़्यादा है। तो ये किसानों के हो चाहे व्यापारियों के हो, आज ये महंगाई बढ़ी है उसके पीछे कारण पेट्रोल और डीजल है। धौलपुर जिले के सैपो कस्बे की जाटव बस्ती में शॉर्ट सर्किट के चलते दो घरों में आग लग गई, लाखों का सामान जलकर राख हो गया। यह मामला बुधवार का है जब पीड़ित ओम प्रकाश और खिल्लो के मकान में शॉर्ट के चलते आग लग गई, जिससे एक भैंस एक पड़िया आग में झुलस गई और चार बोरी अनाज व घरेलू सामान जलकर खाक हो गया। स्थानीय लोगों ने निजी संसाधनों से आग पर काबू पाया। मौके पर पहुंची हल्का पटवारी पूजा परमार ने मौका मुआयना कर जांच शुरू कर दी है। मकान में आग लगी, भैंस पड़ी है, दोनों झुलस गई, चार बोरी अनाज की जलकर राख हो गई। मकान खाट पीड़ी, दूसरा मकान बगल में था उनका, एक छप्पर एक खाट पीड़ी, दोनों जलकर राख हो गए। हनुमानगढ़ में धान का तोला यूनियन के प्रतिनिधियों ने कलेक्टर से मुलाकात की और उन्हें ज्ञापन दिया। उनका कहना था कि अनाज मंडियों में सरसों की तुलाई के लिए वह 6 महीने इंतजार करते हैं, फिर भी अब नेफेड द्वारा खरीद की जा रही है जिसमें बाहर के मजदूरों को लगाया जा रहा है जो उन्हें बर्दाश्त नहीं है। अगर धान का तोला मजदूरों को काम नहीं मिला तो वे अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे और मंडियों में कामकाज ठप कर देंगे। अगर सरकार ने इस मांग पर उचित कार्यवाही नहीं की तो इसके परिणाम गंभीर होंगे। उन्होंने धान का तोला मजदूरों को काम देने की मांग की है। आज धान का तोला मजदूर यूनियन कलेक्ट्रेट में संपूर्ण रूप से अपना कार्यभार बंद कर कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए हैं और वो नेफेड की सरसों की तुलाई के बाबत में, क्योंकि ये जो सरसों की तुलाई है नेफेड खरीद करेगी, इस खरीद को मंडी यार्ड में हमारी हर दुकान पर की जाए और धान का तोला मजदूर यूनियन के थ्रू ही इनका माल तुलवाया जाए। तो हम लोग कल से अनिश्चितकाल हड़ताल पर रहेंगे, मंडी बंद रहेगी, अगर ऐसा नहीं हुआ तो उग्र रूप विधान कर सकता है धान का तोला मजदूर यूनियन। चुरू जिला मुख्यालय पर कलेक्ट्रेट के सामने कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महंगाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, सरकार का पुतला भी जलाया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बढ़ती महंगाई के खिलाफ सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार ने 4 साल में कोई काम नहीं किया है, सिर्फ महंगाई बढ़ाने का काम किया है, इससे गरीब व किसान परेशान है, लोगों को रोजगार नहीं है, बेरोजगारी बढ़ रही है। इस विरोध प्रदर्शन में पूर्व मंत्री हमीदा बेगम, कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष मकबूल मंडेलिया, प्रदेश सचिव भंवर अजीत सिंह सहित काफी कार्यकर्ता मौजूद रहे। कांग्रेस जिला अध्यक्ष भंवरलाल पुजारी ने बताया कि आज आम आदमी बढ़ती महंगाई से दुखी है, गरीब को रोजगार नहीं है, शिक्षित बेरोजगारों की संख्या बढ़ रही है, इसी को लेकर कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया है। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश के मुताबिक जिले के समस्त कांग्रेस संघों ने आज महंगाई के खिलाफ राज्य सरकार के खिलाफ धरना एवं प्रदर्शन का आयोजन किया है। डीजल पेट्रोल और अन्य जो आवश्यक
वस्तुएं हैं उनमें अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, महंगाई बढ़ रही है लगातार, आम आदमी इससे प्रभावित है। तो कांग्रेस पार्टी के हमारे प्रदेश के अध्यक्ष सचिन पायलट साहब के निर्देश के मुताबिक आज चूरू जिला कांग्रेस कमेटी के समस्त कांग्रेस जनों ने इस महंगाई के खिलाफ धरना प्रदर्शन का आयोजन किया है कि सरकार को तत्काल जो भी रेटें बढ़ाई गई है, डीजल हो, पेट्रोल हो, अन्य आवश्यक वस्तुएं हो, उन सब की रेट कम की जाए और महंगाई दर घटाई जाए। इसके लिए हम आज युवा कांग्रेस, महिला कांग्रेस, NSUI, हमारे जिले के वरिष्ठ नेता, कांग्रेस के सारे पदाधिकारी सब ने मिलकर के धरना प्रदर्शन और ये मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी का पुतला दहन करके विरोध प्रदर्शन किया। धन्यवाद। जयपुर जिले के फुलेरा के क्षेत्रीय विधायक निर्मल कुमावत की लगातार मांग को देखते हुए केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री, युवा मामलात व खेल मंत्री और जयपुर ग्रामीण सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर से लगातार प्रयासरत होने के बाद आज फुलेरा जंक्शन पर हैदराबाद ट्रेन का प्रथम ठहराव पर ट्रेन चालक व सहायक चालक का माल्यार्पण व साफा पहनाकर मुंह मीठा करवाकर धन्यवाद प्रेषित किया। इस अवसर पर फुलेरा पालिका के वाइस चेयरमैन संजय पारिक, पार्षद अनिल, पार्षद प्रतिनिधि महावीर बैनाड़ा, मंडल भाजपा पूर्व अध्यक्ष महावीर जैन, विजय शर्मा, मनोज कुमार बड़जात्या, निखिल जैन, ओम प्रकाश लोहा एवं मनोनीत पार्षद सुरेश कुमार सैनी आदि उपस्थित रहे। जयपुर ग्रामीण के फुलेरा क्षेत्र के लिए खास तौर से एक खुशखबरी है। हमने ट्रेनों पे, जो पूरा फुलेरा है ट्रेन पे बहुत निर्भर करता है, उस यातायात पे बहुत निर्भर करता है, फुलेरा पूरी विधानसभा में ट्रेनों के ऊपर खूब काम करवाया, रेलवे स्टेशनों का पुनः उद्धार कराया, फुट ओवर ब्रिजेस, प्लेटफॉर्म, शौचालय, वेटिंग रूम्स, इन सब पे काम करवाया और ट्रेनों के रुकाव के ऊपर खास तौर से काम हुआ। 2015 में जयपुर उदयपुर इंटरसिटी हमने फुलेरा में रुकवाई, उसके बाद दिल्ली उदयपुर चेतक एक्सप्रेस रेनवाल में 2016 में उसका स्टॉपेज करवाया और अब मुझे खुशी है ये खबर आप तक पहुंचाने के लिए कि जयपुर हैदराबाद ट्रेन, जो उसको अजमेर तक एक्सटेंड कर दिया गया है और उसका रुकाव फुलेरा में स्टॉपेज होगा, 4 अप्रैल से वो शुरू होगा, और आगरा फोर्ट ट्रेन जिसको फिर अजमेर तक एक्सटेंड कर दिया है उसका भी फुलेरा में एक स्टॉपेज होगा 1 मई से, और सांभर जहां बार बार रिक्वेस्ट आती थी वहां पे भी जोधपुर इंदौर इंटरसिटी का स्टॉपेज अप्रूव हो गया है, उसकी तारीख भी जल्द आप सबको बता दी जाएगी। तो पुनः आप सबको बहुत बहुत बधाई और हम सब मिलकर जो हमारे रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल जी, उनका धन्यवाद देते हैं और प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देते हैं। सिरोही जिले की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत भावरी स्वरूपगंज में जन सुनवाई हुई। जन सुनवाई की अध्यक्षता पिंडवाड़ा आबू विधायक समाराम गरासिया ने की। जन सुनवाई में स्वरूपगंज ग्राम पंचायत में मूलभूत सुविधाओं की जानकारी दी। जिले की सबसे बड़ी पंचायत भावरी में 2 करोड़ और 40 लाख का फंड पड़ा होने पर भी पंचायत की जनता मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। पिंडवाड़ा तहसील पंचायत समिति के माध्यम से प्रधान टीपू देवी गरासिया ने स्वरूपगंज कस्बे में स्थायी बस स्टैंड बनाने की घोषणा की। जनसुनवाई में स्वरूपगंज ग्राम पंचायत के वासिंदों ने मूलभूत सुविधा, पानी, साफ सफाई, नाली व्यवस्था, लाइट व्यवस्था, सीसी रोड और अतिक्रमण की समस्या को अवगत कराया। अजमेर शहर के सिविल लाइन थाना पुलिस ने कार्यवाही करते हुए 3 चोरों को गिरफ्तार किया है। इन चोरों ने PWD कार्यालय से 40 पंखे व मोटर चुराई थी। तीनों चोर अजमेर के रहने वाले हैं, जिनमें से एक किशनगंज थाने का हिस्ट्री शीटर है। पुलिस ने इनके पास से चोरी किए गए 35 पंखों को भी बरामद किया है।
शहर के सिविल लाइन थाने में गत 11 फरवरी को पीडब्ल्यूडी के एएन दिलीप कुमार ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनके ऑफिस से करीब 40 पंखे व मोटर अज्ञात चोर चुरा ले गए हैं, जिस पर पुलिस ने जांच की और कल किशनगंज थाने की मदद से इन चोरों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें मुख्य आरोपी कार्यालय का चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी गोपाल सिंह राठौड़ है, जिसने अपने साथी धनराज व जॉनी की सहायता से चोरी की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने इनके कब्जे से चुराए गए पंखों में से 35 पंखों को बरामद कर लिया है। थाना अधिकारी कारण सिंह खंगरोत ने बताया कि तीनों आरोपी अजमेर के रहने वाले हैं, जिनमें से एक किशनगंज थाने का हिस्ट्री शीटर है, तो वहीं दो आरोपी अपराधी प्रवृत्ति के हैं। फिलहाल सिविल लाइन थाना पुलिस तीनों आरोपियों की बाकी पूछताछ में जुटी हुई है। एएनपीडब्ल्यूडी श्री दिलीप कुमार द्वारा दिनांक 11/2 को मुकदमा दर्ज कराया कि मेरे कार्यालय से रात्रि के समय 40 पंखे और कुछ मोटरें अज्ञात व्यक्ति चुरा के ले गए, जिस पे कल दिनांक को किशनगंज पुलिस की सहायता से तीन मुलजिमों को पकड़ा है, जिसमें एक इन्हीं का कर्मचारी है जो फोर्थ क्लास है, गोपाल सिंह राठौर। उसने धनराज और जॉनी इनकी मदद से चोरी करी और 40 पंखे चुरा के ले गए, जिनको रंगे हाथों गिरफ्तार किया और 35 पंखे बरामद हुए। आज उनका रिमांड का कहता है मोटर बरामद किया। कहाँ के रहने वाले हैं? सब अजमेर में हैं। एक तो किशनगंज का एचएस है, दो पुराने अपराधी हैं। झुंझुनू के मलसीसर में कुंभाराम लिफ्ट कैनाल परियोजना का डैम 31 मार्च को टूट गया था। डैम टूटने के बाद बहे पानी से मलसीसर कस्बा अभी भी सामान्य नहीं हो पाया है। अभी भी कस्बे में 1.5 से 2 फुट तक पानी भरा हुआ है, जिसे निकालने की कोशिश हो रही है। इधर इस मामले में गिरफ्तार किए गए एनसीसी लिमिटेड कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर बी प्रसाद तथा सहायक प्रोजेक्ट मैनेजर धर्मेश को आज झुंझुनू की निचली अदालत में पेश किया गया। कोर्ट ने पुलिस को 1 दिन और पुलिस रिमांड दिया है, जिस पर उन्हें फिर से थाने ले जाकर आगे की पूछताछ की जाएगी। आपको बता दें कि इन दोनों कंपनी अधिकारियों की देखरेख में ही पूरे प्रोजेक्ट का काम हुआ है। प्रोजेक्ट निर्माण में लापरवाही का मामला जलदाय विभाग की ओर से दर्ज करवाया गया है। को अभियुक्तों को रिजर्वायर डैम के प्रोजेक्ट मैनेजर और डिप्टी प्रोजेक्ट मैनेजर को पेश किया था। अभी अनुसंधान चल रहा। माननीय न्यायालय से पुलिस कस्टडी रिमांड की प्रार्थना की थी, 1 दिन का पुलिस रिमांड मिला है और अनुसंधान करेंगे, कल न्यायालय में वापस पेश किया जाएगा। और बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सत्यमेव न्यूज़।